प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकंड ईयर का सामान्य पेपर पढ़ेंगे, अधिगम हेतु आकलन। अधिगम हेतु आकलन के अंदर जो हमारी इकाई है सेकंड, विषय आता है अधिगम का आकलन करना। तो विषय आता है अधिगम के आकलन के अंदर हमने कुछ बहुत कुछ पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि रचनावादियों ने विषय आधारित अधिगम की संपूर्ण विचारधारा को तीन भावों में बांटा गया। कितने भावों में बांटा गया? अपने शिक्षण कार्य के प्रति विद्यार्थियों किस पर आकर्षित करता है, विद्यार्थी निर्माण किस प्रकार से करता है, उसके बारे में मैंने समझाया था। और उसी क्रम को ध्यान में रखकर आज हम जो पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना। भले एक अध्यापक को जब भी कोई शिक्षण कार्य करना होता है तो वो उस विषय वस्तु से प्रति अपने उस विषय वस्तु के अंतर्गत जो भी इकाइया है उस इकाइया के अंदर जो इकाइया था उनकी रूपरेखा तैयार करके विद्यार्थियों का निर्माण जो है उनको आकर्षित करने के लिए किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं, उनका वर्णन इस प्रकरण के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूँ। तो हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना बनाता हमने कि पाठ्यक्रम के लिए योजना बनाना कि अध्यापक को जो भी कोई शिक्षण कार्य करता है या कक्षा कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए। ये अध्यापक का नियम है कि जब अध्यापक ने क्रमबद्ध रूप से पढ़ाएगा, सरल से कठिन की अर्थ पढ़ाएगा, तो विद्यार्थी का पूर्ण ध्यान है उस पाठ्यक्रम की रूपरेखा होना चाहिए। इसके द्वारा विद्यार्थी कोई भी शिक्षण कार्य किसी विषय वस्तु से भी आप पढ़ाते हो तो उसका जो क्रम है वो कभी टूटना नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हम जब पढ़ाते हैं पाठ्यक्रम चार भागों में होता है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो इन पाठ्यक्रम के आधार पर विद्यार्थियों को अपने स्तर के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। तो अध्यापक भी उन पाठ्यक्रम के लिए योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थी का विकास उच्च और स्तर बना हुआ रहे। इसी के अंदर हम आज पढ़ेंगे, आज सेकंड नंबर पढ़ेंगे वो है हमारा सेकंड नंबर है अनुदेशन के लिए योजना बनाना। अनुदेशन के लिए योजना बनाना, अनुदेशन के लिए योजना बनाना। तो आज जो हमारा प्रकरण है आज अपन जो है अनुदेशन के लिए योजना बनाना। अनुदेशन से मतलब क्या होता है? कि अनुदेशन कौन होता है कि विद्यार्थी को जब अध्यापक शिक्षण कार्य संपूर्ण होने पर या पाठ्य पुस्तक कंप्लीट करने के बाद में विद्यार्थी स्वयं को जो उस परिवेश में उस लक्ष्य की प्राप्ति तक कैसे पहुंचाता है वो पूरी क्रिया एक विद्यार्थी स्वयं करता है। और स्वयं क्रिया करने की जो क्रिया होती है वो अनुदेशन की क्रिया के अंदर आती है। तो इस कहने का मतलब ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि हमारा कोर्स पूरा हो चुका है, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा कोर्स पूरा हो चुका है और आपको अभी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो विद्यार्थी उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए उस विषय वस्तु को इतना ध्यान से पढ़ता है कि उस समस्त गतिविधियों के बारे में, कौशलों के बारे में विद्यार्थी स्वयं पढ़ के उसको याद करता है, स्वयं पढ़ के उसको याद करता है। तो याद करने की क्रिया है, जो स्वयं याद करने की क्रिया है, उस क्रिया को वो स्वयं अपने स्तर के आधार, अपने मानसिक क्षमता के आधार पर उन क्रिया को याद करने की कोशिश करता है। वही एक अनुदेशन की योजना होती है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सफल होता है। तो कहना मना है कि पाठ्यक्रम अनुदेशन एवं आकलन की योजना के अंतर्गत अनुदेशन के लिए योजना बनाना है, बनाने के लिए अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को अनुदेशन प्रदान करने की तो प्रक्रिया पर ही अधिगम निर्भर होता है कि सीखना
सिखाना है वो अध्यापक पर डिपेंड होता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए, अर्थात कहना मतलब ये हुआ विद्यार्थियों के लिए कोई भी विषय वस्तु के प्रति अधिक कि विषय वस्तु के प्रति जितना अधिक प्रभावी अनुदेशन कार्यक्रम होगा, मतलब एक अध्यापक जिस किसी विषय वस्तु के प्रति जितना आकर्षित रूप से पढ़ाएगा विद्यार्थी भी उस क्रिया को उतने समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका इसका उस विद्यार्थी का अधिकतम स्तर में बहुत अधिक प्रभावी उच्च एवं स्तर बना हुआ रहता है। अतः एक अध्यापक है, एक अध्यापक को हमेशा कोई भी विषय वस्तु के तथ्यों को बातों को क्रमबद्ध रूप अनुदेशन प्रदान करने के लिए व्यापक योजना बनाने बनाने का होता है। व्यापक योजना क्या होता है? व्यापक योजना बनाना कौन सी योजना बनानी? व्यापक योजना। व्यापक मतलब इतनी बड़ी कि विद्यार्थी को उसमें से थोड़ा अंश उसको याद नहीं, पूरी याद नहीं, थोड़ा बहुत उसको याद होना चाहिए। तो क्या नाम रहेंगे? क्योंकि इन व्यापक योजना के माध्यम से विद्यार्थी अपने लाभ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, जिसके जिसके उसके ज्ञान में कुछ और स्थायी भाव जो संचार है वो बना हुआ रहेगा। क्योंकि व्यापक आने वाले दृष्टियों के बारे में अध्यापक उसको अधिक से अधिक बताने की कोशिश करें। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अनुदेशन स्तर को वो जो स्थायी बनाने के लिए निम्न तथ्य होते हैं इसके अंदर कि अनुदेशन स्तर को उच्च एवं स्थायी बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में थोड़े मैं एक मौखिक फॉरम रूप में देना चाहता हूँ। तो हम सुंदर पेड़ पढ़े पहला कृपा ध्यान से पढ़े तो कि अनुदेशन प्रक्रिया में अध्यापक को नवाचारों का प्रयोग करना चाहिए। नवाचार का प्रयोग करती है पहला पॉइंट जो आता है वो है नवाचार का प्रयोग करना। नवाचार का प्रयोग इसमें जो क्या है बाजी से जो हमारे बाजी आती है कि अनुदेशन को उसने स्थायी बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का जो समावेश किया जाता है उसमें पहला अध्यापक को वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए उसको नवाचारों का प्रयोग करें, जिससे विद्यार्थी उस नवाचारों के प्रति अधिगम को सीखने का जो स्तर है वो उच्च और स्थायी बना सके, यानी वर्तमान की समसामयिक घटनाओं के बारे में वो जान सके। ये पहला उसका होना चाहिए। फिर और आगे हम बढ़े कदम बढ़ा अगला स्टेप देखें तो अनुदेशन प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी का न शिक्षण अध्यापक के द्वारा कोई भी शिक्षण कार्य कंप्लीट होने के बाद अध्यापक वहां से उस कदम से लेते हैं, तो तब एक विद्यार्थी सभी जन मिलकर एक समूह में समूह बनाकर उस शैक्षणिक प्रयास करने के लिए अध्यापक से पूछते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में इस प्रकरण के बारे में या इस तथ्य के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो एक अनुदेशन के माध्यम से दल शिक्षण का या समूह बनाकर उस शैक्षिक गतिविधि की आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। ये अध्यापक का एक रोल होना चाहिए कि अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ बिठाकर उन विषय वस्तु के बारे में समझाना चाहिए कि हमें इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। अगर हम अगले चरण पर आगे बढ़े तो देखें कि अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। कौशल शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। हम उसी क्रम में अनुदेशन की प्रक्रिया पर विचार करेंगे कि शिक्षण कौशलों का प्रयोग करने की अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षण कौशलों का प्रयोग व्यापक रूप से करना चाहिए, जिसके द्वारा विद्यार्थी का पुनर्व
बनाने की आप सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक मतलब उम्र लंबा कौन सा क्वेश्चन है, उदाहरण क्वेश्चन है, प्रश्न क्वेश्चन है, प्रस्तावना क्वेश्चन है, श्यामपट क्वेश्चन है, उदाहरण क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें सूक्ष्म शिक्षण कौशल भी है जिनके बारे में विद्यार्थी पुनर्मनन बार बार उस क्रिया को सीखे और सीखने से बार बार जो क्रिया के अध्ययन विद्यार्थी द्वारा बार बार जो क्रिया की जाती है उसमें विद्यार्थियों से उस गति की विधि के प्रति या उस शिक्षण के प्रति अधिक से अधिक जानने की कोशिश करता है कि मुझे अब आ चुका है। विद्यार्थी से मनोदर्शन करता है उसके बारे में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उसके बारे में समझाते हैं और उसी अगले अगले चरण में चलते हैं। तो अनुदेशन प्रक्रिया में शिक्षकों को अनुदेशन की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्तमान के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की सहायता से पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाना चाहिए। जैसे आप देखिए आज वर्तमान के परिदृश्य में देखते हैं कि कोरोना वैश्विक जो है COVID-19 की वैश्विक महामारी जो है कोरोना है उस को ध्यान में रखते हुए आज विद्यार्थी अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और वो अपने शैक्षणिक संस्था को पूरा करने शैक्षणिक डिप्लोमा को पूरा करना चाहता है मगर एक विद्यालय संस्थान राज्य सरकार ने इन विद्यार्थियों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के लिए घर बैठे ही एक अध्यापक के माध्यम से उस संस्था के माध्यम से उस विद्यालय के माध्यम से उस महाविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण जो विद्यार्थियों को पहुँचाया जाता है यही वर्तमान जो आधुनिक तकनीक का प्रयोग विद्यार्थी का अध्यापक कर रहा है। जो विद्यार्थी जो अध्यापक इन तकनीक का प्रयोग कभी नहीं करता था वह भी आज इन तकनीक के माध्यम से अपने ऑनलाइन वीडियो को बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है जिसके द्वारा विद्यार्थी उस कक्षा में न आने से पूर्व ही वो घर बैठे उस शिक्षण के प्रति उस विषय के प्रति उस विधि के प्रति घर बैठे बैठे सीख रहे हैं। तो हमें एक उससे हमारे एक महामार्ग वो मतलब अध्यापक सीख रहा है उसके बारे में अध्यापक भी सीख रहे हैं और विद्यार्थी भी सीख रहे हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि अनुदेशन प्रक्रिया की योजना जो है वो विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जो है उस पाठ्यक्रम की योग्य है या नहीं है उस विद्यार्थी की अवस्था परिपक्व है या नहीं है उस विद्यार्थी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक को अपना शिक्षण कार्य उसको उसके सामने प्रस्तुत करना चाहिए कि इसका आई क्यू इतना उसी ढंग से होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर तो उसको कविता है कहानी है या खेल विधि की वजह से होना चाहिए या उस समय आगे बढ़ते तो मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी क्रिया बार बार जब होती रहती है तो विद्यार्थी उस क्रियाओं के प्रति क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करता है, जैसा अनुकरण करता है अध्यापक वैसे ही विद्यार्थी अनुकरण करता है। तो प्रिय विद्यार्थी जो आज का हमारे टॉपिक पढ़ा है अनुदेशन के प्रयोग के अध्यापक के द्वारा जो भी शिक्षण कार्य पढ़ाया जाता है या समझा जाता है तो उसका स्वयं विद्यार्थी आकलन करे खुद पढ़े कि मैंने किस हद तक इस शिक्षण को प्राप्त किया है उन शिक्षण की प्राप्ति के बाद में मेरा लक्ष्य जो है मेरा उद्देश्य जो मेरी प्राप्ति है मेरा लक्ष्य क्या है उस लक्ष्य तक कैसे पहुँचा जाए। तो उस लक्ष्य के बारे में पहुँचने के लिए आपको किस प्रकार का अधिगम करना है वह अधिगम अनुदेशन क्रिया के द्वारा ही बनाना पड़ता है। इस क्रिया के द्वारा किसी विद्यार्थी को कोई भी सफलता है वो उसके हाथों या चरणों के तौर पर होती है क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ता है और आगे बढ़ेगा तभी तो वह जो शिक्षण को प्राप्त करता है वो उसके हाथों में आता है। प्रिय विद्यार्थियों आज के इस प्रकरण में अनुदेशन के लिए योजना को समझाया गया है ये शायद आपको समझ में आ गई होगी। हम और नए प्रकरण के साथ में नए विषय वस्तु के साथ में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।